गुजरात के बनासकांठा जिले के हरद गांव में एक प्राथमिक स्कूल ने छात्रों को पैसे बचाने की अहमियत सिखाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया है। स्कूल के शिक्षक बच्चों को अपने माता पिता से मिलने वाली पॉकेट मनी को स्कूल के बैंक ऑफ हरद में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैंने 3 महीने से खाता खोला हुआ है और मेरे खाते में अभी लगभग 500 जितना रुपया जमा हो गया है और मुझे खुशी है कि मेरे पैसे जमा हो रहा है और मेरे पैसे अन्य खर्च में नहीं जा रहे हैं। बैंकों के कामकाज के बारे में छात्रों को बताने के लिए बैंक ऑफ हरद में किसी भी सामान्य बैंक की तर्ज पर काम होता है। मैंने बैंक की तरह जमा स्लिप और विड्रॉल फॉर्म सब छपा दिए है। वो पर्ची भर के हमको जब पैसे के साथ देता है तो उसकी हमने पासबुक भी दे रखी है। वो पासबुक में हम सब एंट्री करते हैं। जो बच्चे हमें पैसे जमा कराते हैं वो विड्रॉल करते हैं, तो विड्रॉल सब एंट्री इधर आ जाती है। बैंक में अब तक करीब 110 छात्रों ने अपने खाते खोले हैं। इनमें कुल मिलाकर 20,000 रुपए से ज़्यादा रकम जमा है। हमारे हड़ाद पे केंद्र प्राइमरी स्कूल में टीचर द्वारा बैंक ऑफ हड़ाद बैंक शुरू कर दी है। उसी में सारे बच्चे अपनी बचत, अपनी जमा पूंजी जो गार्डियंस के द्वारा दी जाती है यहाँ पर जमा की जाती है और ये सारी प्रोसेस बैंक की तरह ही की जाती है। बच्चों में ये भावना, बचत की भावना बढ़े, इसीलिए ये बैंक शुरू की गई है। स्कूल अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे छात्रों में पैसे बचाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी। जल्द ही बैंक के छात्र ग्राहकों की संख्या 500 या उससे ज्यादा हो जाएगी।